वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना बैग पैक। और आज मैं आप लोगों के सामने अपना बैग को पैक भी करूंगी क्योंकि कल से स्कूल सबके शुरू हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आज मैं आप लोगों के साथ इस तरह की वीडियो शेयर कर रही हूँ। सो ये मेरा न्यू बैग है। अगर आप लोग मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा फेवरेट कलर पर्पल है। और ये मेरे मामा मेरे लिए कल ही परचेज करके लाई है, न्यू बैग है। बहुत सारी जिप्स हैं इसमें और बहुत ज्यादा पार्टीशन भी हुई है। और इस लॉक के पीछे भी एक जिप है जिसके अंदर भी बहुत ज्यादा पार्टीशन हुई है। ये आई थिंक स्केल पेन्स वगैरह के लिए इन्होंने पार्टीशन करी हुई है। सो फ्रेंड्स, मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं अपनी 8th स्टैंडर्ड की बुक्स इस वाली जिप में रखने वाली हूँ। और ये सबसे बड़ी वाली जिप है। सो फ्रेंड्स, ये मेरी 8 कॉपीज हैं जिन्हें मैं अभी इसमें रखने वाली हूँ। और मैं आप लोगों को अपनी राइटिंग बिल्कुल नहीं दिखाने वाली क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत बुरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी वीडियोस में मेरी बड़ी वाली सिस्टर लिखती है जो भी राइटिंग का होता है, मैं नहीं लिखती। और ये रहा मेरा न्यू पाउच, ये भी न्यू है। और मेरे पास कुछ बहुत ज्यादा प्यारी प्यारी स्टेशनरी भी है जो कि मैं इसमें रखने वाली हूँ। फर्स्ट इज दिस वन लिपस्टिक ग्लिटर पेन जो कि मेरे बैग के कलर से बिल्कुल मैच है, पर्पल कलर। और ये कुछ मेन सामान होता है जो है रिमूवर। नेक्स्ट आर दीज इंक पेन्स, ब्लू एंड ब्लैक। अब मैं सेकेंडरी क्लासेस में हूँ, दैट्स व्हाई मैं पेन से काम करती हूँ। नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस वन डॉलर पेन। मैं सेफ्टी के लिए ये पॉइंटर्स भी यूज करती हूँ, हेडिंग्स के लिए कट मार्कर्स। ये पेन आपने बच्चा पार्टी वाले ब्लॉग में देखा ही होगा, ये भी मैं रखूंगी। नेक्स्ट इज दिस वन ग्लिटर मूविंग स्केल। चलें इसे भी मैं बैग में रख लेती हूँ। इसकी साइड पॉकेट्स भी बहुत ज्यादा क्यूट और सेफ्टी के साथ हैं जिसमें मैं अपनी वाटर बॉटल रखूंगी। दीज आर माई न्यू शूज एंड माई यूनिफॉर्म।